कभी कभी अन्याय सहन करते हैं, ऐसा मेरा समझ है। जो भी हो, आपने अच्छा प्रदर्शन किया, आप यहाँ आए। अब आज शाम को 3 बजे प्रेस क्लब में एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी NFNS के। यहाँ में उपस्थित सभी नेतागण से मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने अपने प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए वहाँ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा, आपको यदि वापस जाना हो तो इस सभा के बाद आप फ्री हो वापस जाने के लिए। लेकिन आप में से जो यहाँ कुछ देर तक रहेंगे, आप यदि प्रेस क्लब में आवे तो हमें भी ताकत मिलती है, हमारी भी शोभा बढ़ती है कि चलो इनके पीछे 5-50 लोग आते हैं, ये देख के लोगों को अच्छा लगता है। तो फिर आप यदि प्रेस क्लब में आवे तो अच्छा होगा। मैं जाने के पहले एक बार जवादे जी से कहूँगा कि हर प्रदेश के नाम के नारे यहाँ लगाए जाए। जवादे गुरु जी ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट तो हैं ही, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के लोगों को वो अच्छी तरह परिचित है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने उनका नाम जवादे से बदल के जावेद कर दिया है। अब इसकी हमें कोई चिंता नहीं, क्योंकि हम विदर्भ वाले लोगों को हिंदू और मुसलमान ये फ़र्क समझा नहीं कभी। ये फ़र्क तो सत्ता में बैठे वाले लोग खुद के हिसाब से जैसे चाहिए उस तरीके से कम ज़्यादा करते रहते हैं। हमारे लिए विदर्भ का 18% पॉपुलेशन शेड्यूल ट्राइब का है। ट्राइबल लोग रहते हैं हमारे जंगलों में। हमारा 20% के आसपास का पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट का है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ के बुद्ध धर्म का जो स्वीकार किया वो नागपुर में किया था। हमारे लिए देश का विभाजन जाति से, भाषा से या धर्म से होता ही नहीं है। ये सारा डर महाराष्ट्र सरकार के दिमाग में बैठा है। आप मराठी बोलोगे या हिंदी बोलोगे, अबे क्या फर्क पड़ता है मैं कौन से भाषा में बोलूं, सामने वाले को समझता है वो भाषा काफी हो जाती है। नहीं नहीं, फिर यहां में हिंदू लोग आके राज करेंगे। मेरे लिए एक समान है, बोडो आदमी भी नागपुर में आके राज करे मैं तो वेलकम करूंगा, यदि वो हमारा भला करे तो। अब प्राइम मिनिस्टर, हमारे पिछले प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आसाम से चुन के गए थे, कोई फर्क पड़ा उनको या आसाम को? मोदी जी गुजरात के हैं, वाराणसी से चुन के जाते हैं, और आप होते कौन हो पूछने वाले कि कौन सत्ता में आएगा और किस भाषा में राज करेगा? ये विभाजन के तरीके हैं, अपने में फूट डालने के तरीके हैं। यदि यहां में आके किसी ने बोडो भाषा में भाषण दिया, किसी ने नागा बोली में भाषण दिया, तो हमें क्या तकलीफ होनी चाहिए? समझने वाला समझता है, हमें तो सिर्फ बर्दाश्त करने का आदत पड़नी चाहिए। लेकिन उतनी भी आदत के लिए आप तैयार नहीं हो तो फिर करो भाषा से खून खराबा, करो धर्म के ऊपर खून खराबा, करो जाति को लेके टुकड़े देश के, और इसी को कहो कि विकास हो रहा है हमारा। ये राजकारण समझ लीजिए, इसके खिलाफ अपने को खड़ा रहना है। इकट्ठा हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमारी मांगे एक है, हमें हमारा राज चाहिए। वो राज हम कैसे चलाएंगे, किस भाषा में चलाएंगे, किस धर्म से चलाएंगे, किस जाति से चलाएंगे, ये हम देखते बैठेंगे। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए मैं मेरे भाषण को खत्म करते हुए जावेद जी से कहता हूं।